नमस्कार देचू चैनल पर आपका स्वागत है बात करते हैं राजस्थान मौसम के बारे में 24 के के अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रेखा राजस्थान क्षेत्र का मौसम अगले 24 घंटों के दौरान उदयपुर संभाग कोटा संभाग और कुचौत पश्चिम बाग के क्षेत्र में कपी जगहों पर मध्यम से लगाकर भारी बारिश होने की संभावना है जब ज्यादा दक्षिण जिले आते हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ उदयपुर चित्तौड़गढ़ राजसमंद भीलवाड़ा कोटा बारा झालवाड़ा बूंदी टोंक सोयापुर के क्षेत्र में अगले चौबीस घंटों के दौरान काफी जगहों पर मध्यम से लगाकर भारी बारिश होने की संभावना रहेगी तो से पहले राजस्थान के पश्चिम जिलों की बात कर लेते हैं अगले चौबीस घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम अगले चौबीस घंटों के दौरान जैसलमेर जोधपुर बाड़मेर के क्षेत्र हैं ज़्यादातर लगभग बादलों की आवाजाही के बीच में चुष्क बना रहेगा हालांकि पूरी जोधपुर से लगाकर पूरी बाड़मेर के क्षेत्र में काफ़ी जगहों पर मेघ करने के साथ हल्की से मध्यम कुछ क्षेत्र में काफ़ी मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश होने की संभावना रहेगी जैसलमेर के क्षेत्र में अगले चौबीस घंटों के दौरान ज्यादातर लगभग मौसम चुष्क बना रहेगा कहीं कहीं जगहों पर मेघ करने के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है ज्यादातर क्षेत्रों में मेघ करने के साथ खंड बारिश होने की संभावना रहेगी जो कि कुछ एक क्षेत्र पर मेघ करने के कर साथ तेज बौसार गिर सकती हैं ज़्यादातर लगभग हल्की मेघ करने के कर साथ बौसार गिर सकती हैं जोधपुर के पश्चिमी क्षेत्रों में ज़्यादातर लगभग मौसम चुष्क करने की संभावना अगले चौबीस घंटों के दौरान लेकिन कुछ एक क्षेत्र पर जो जोधपुर के नज़दीक वाले क्षेत्र हैं अगले ही बालेश्वर कल्याणपुर के आसपास क्षेत्र हैं कुछ शेरगढ़ के क्षेत्र हैं कुछ क्षेत्रों के आसपास क्षेत्र से लगाकर जोधपुर के पूर्व क्षेत्र हैं भोपालगढ़ बिल्लाड़ा लूणी के आसपास क्षेत्र में काफ़ी जगहों पर हल्की से मध्यम कुछ क्षेत्रों में काफ़ी तेज़ बारिश बारिश की गति अगले चौबीस घंटों के दौरान देखने को देखते मिल सकती है कुछ भोपालगढ़ के जो अजमेर के सटे हुए क्षेत्र हैं जोधपुर नागुर के सटे हुए क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में अगले चौबीस घंटों के दौरान कहीं कहीं जगहों पर मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश देखने मिल सकती है और बाड़मेर के कुछ एक क्षेत्र पर अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से पूरी बाड़मेर के क्षेत्र हैं जो मोकलासर के आसपास क्षेत्र हैं धोरीमन्ना के क्षेत्र हैं कुछ पाडरू के आसपास क्षेत्र हैं और कुछ बालोच तो सादी के आसपास क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना रहेगी हालांकि जो जलों के क्षेत्र क्षेत्र हैं मोकलासर जो पाडरू के आसपास क्षेत्र हैं धोरीमन्ना के आसपास क्षेत्रों में कुछ क्षेत्र पर मध्यम से लगा कर तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है अगले चौबीस घंटों के दौरान कुछ पश्चिमी बाड़मेर शिव के, के आसपास क्षेत्र हैं कुछ चोटन के क्षेत्र हैं कुछ गटर रोड के आसपास क्षेत्रों में अगले चौबीस घंटों के दौरान हल्की से मध्यम दर्ज की बारिश होने की संभावना रहेगी जालोर और सिरोही के क्षेत्र में अगले चौबीस घंटों के दौरान काफ़ी जगहों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना रहेगी जलौर के जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र आते हैं उन क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर हल्की से मध्यम दर्ज की बारिश होने की संभावना रहेगी ज़्यादातर पूरी जलौर के क्षेत्र हैं जो जलौर और पाली के छठे हुए क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर अगले 24 घंटों के दौरान काफ़ी क्षेत्रों में मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश होने की संभावना रहेगी ज़्यादातर जलोर शहर से लगाकर भीनमार्ग के आसपास क्षेत्र हैं सरूपगंज के आसपास क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर कुछ बगोड़ा तैसे के आसपास क्षेत्रों में हल्की से मध्यम कुछ क्षेत्रों में मदीम से लगाकर तेज़ बारिश होने की संभावना रहेगी और जो सिरोही है पाली के क्षेत्र में सिरू के कई क्षेत्रों में अगले चौबीस घंटों के दौरान काफ़ी जगहों पर मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश होने की संभावना रहेगी और कुछ एक क्षेत्र पर काफी जगहों पर मध्यम से लगाकर भारी बारिश देखने मिल सकती है सिरोही के क्षेत्रों में जो गुजरात के सटे हुए क्षेत्र हैं उदयपुर के सटे हुए है, क्षेत्र हैं सिरोही के उन क्षेत्रों में अगले चौबीस घंटों के दौरान काफ़ी जगहों पर मध्यम से लगाकर मूसलाधार बारिश देखने मिल मिल सकती है पाली के क्षेत्रों में अगले पा। दक्षिण पाली से लगाकर पूर्वी पाली तक तो काफ़ी जगहों पर पाली शहर से लगाकर काफ़ी जगहों पर अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से लगाकर लगा तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है लेकिन पश्चिमी पाली के छत्र हैं जो आशिंदा के आसपास क्षेत्र हैं जोधपुर के छठे चत्रे हुए क्षेत्र उन क्षेत्रों में भी काफी जगहों पर अगले चौबीस घंटों के दौरान मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश देखने को मिलेगी उसके बाद बात करते हैं दक्षिणपुर जिलों की दक्षिणपुर जिले में अगले चौबीस घंटों के दौरान काफ़ी जगहों पर मध्यम से लगाकर तेज बारिश होने की संभावना रहेगी कुछ क्षेत्रों में काफी भारी बारिश होने की संभावना रहेगी अगले चौबीस घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बांसवाड़ा डूंगरपुर जालवाड़ा बूंदी बारह के क्षेत्रों में अगले चौबीस घंटों के दौरान काफी जगहों पर मध्यम से लगाकर भारी बारिश होने की संभावना रहेगी जो बांसवाड़ा के क्षेत्र है बांसवाड़ा को काफी क्षेत्र के ना बांसवाड़ा के कई क्षेत्रों में अगले चौबीस घंटों के दौरान चौबीस की काफी जगह पर है बांसवाड़ा है डूंगरपुर है कुछ प्रतापगढ़ के क्षेत्र में काफी जगहों पर हल्की से मध्यम कुछ क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है लेकिन अगले चौबीस घंटों के दौरान बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ उदयपुर के कई क्षेत्रों में काफी जगहों पर मध्यम से लगाकर भारी बारिश देखने को मिलेगी चित्तौड़गढ़ राजसमंद भीलवाड़ा के क्षेत्र में अगले चौबीस घंटों के दौरान काफी जगहों पर मध्यम से लगाकर मूसलाधार बारिश देखने मिल सकती है चित्तौड़गढ़ राजसमंद है और भीलवाड़ा के क्षेत्रों में और झालवाड़ा कोटा बारा बूंदी के क्षेत्रों में अगले चौबीस घंटों के दौरान कुछ के क्षेत्र पर बारिश अत्यंत भारी बारिश देखने मिल सकती है कोटा बारा झालवाड़ा के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा झालवाड़ा जालवाड़ा के पाटन के आसपास क्षेत्र में अगले चौबीस घंटों के दौरान काफी जगहों पर मूसलाधार कुछ क्षेत्रों में भारिश अत्यंत भारी बारिश देखने मिल सकती है और कोटा शहर से लगाकर बारा बूंदी के क्षेत्र में काफ़ी जगहों पर अगले चौबीस घंटों के दौरान काफ़ी जगहों पर मध्यम से लगाकर कुछ क्षेत्रों में काफी मूसलाधार भारी बारिश देखने को मिलेगी और टोक छोहे मानपुर के क्षेत्र हैं कुछ करौली के क्षेत्रों में अगले चौबीस घंटों के दौरान मध्यम से लगा कर मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी अजमेर के क्षेत्र हैं जयपुर के क्षेत्र हैं दूसरा धौलपुर भरतपुर अलवर जयपुर के क्षेत्र में अगले चौबीस घंटों के दौरान कपित जगहों पर हल्की से मध्यम कुछ क्षेत्रों में मध्यम से लगाकर मूसलाधार बारिश का दौर चलेगा जो अजमेर हैं जयपुर हैं कुछ दोसा हैं करौली के क्षेत्रों में और जो अलवर हैं भरतपुर हैं सिक्कर के क्षेत्र में अगले चौबीस घंटों के क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों पर हल्की से कुछ क्षेत्रों में मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है और झुंझुनू है शुरू के क्षेत्र में अगले चौबीस घंटों के दौरान काफी जगहों पर कुछ क्षेत्रों हल्की मध्यम ज्यादातर क्षेत्रों में शुरू है झुंझुनू है चिक्कर के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना रहेगी अगले चौबीस घंटों के दौरान लेकिन अगले चौबीस घंटों के बाद अगले चौबीस अड़तालीस घंटों में झुंझुनू चिक्कर चुरू के कई क्षेत्रों में काफी जगहों पर मध्यम से लगाकर मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी उत्तर पश्चिम जिलों में गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर चूरू के क्षेत्र में काफ़ी जगहों पर कुछ नागौर के नागौर के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान ज़्यादातर जो जयपुर के छठे हुए क्षेत्र हैं अजमेर के चटे हुए क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जो मकराना मेरदा सिटी के आसपास क्षेत्र हैं डिगर के आसपास क्षेत्रों में अगले चौबीस घंटों के दौरान हल्की से मध्य कुछ क्षेत्र में मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है शुरू के क्षेत्र हैं नागोर सुरु के चटे हुए क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में अगले चौबीस घंटों के दौरान हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना रहेगी गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर के क्षेत्रों में अगले चौबीस घंटों के दौरान ज्यादातर लगभग मौसम बादलों की आवाजाही बनी रहेगी लेकिन हल्की मेह करने के साथ कहीं कई इक दौर जगहों पर मेह करने के साथ हल्की बहुस रखने की संभावना रहेगी लेकिन सत्ताईस से अट्ठाईस जुलाई के आसपास में गंगानगर है हनुमानगढ़ है चुरु के कुछ क्षेत्र के शुरू में जो अगले चौबीस घंटों के बाद शुरू के जो दक्षिण उत्तर पश्चिम क्षेत्र आते हैं शुरू के जो राजगढ़ से लगाकर राज रतनगढ़ के आसपास क्षेत्र हैं लाडू के आसपास क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर मध्यम से लगाकर मौसाधार बारिश का दौर देखने मिलेगा बाकी जो शुरू के क्षेत्र हैं जो नागौर के छठे हुए क्षेत्र हैं बीकानेर के छठे हुए क्षत्र हैं और इन क्षेत्रों में अगले चौबीस से छत्तीस घंटों के दौरान काफ़ी जगहों पर मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश देखने को मिलेगी गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर के क्षेत्र में सत्ताईस और अट्ठाईस जुलाई के आसपास में काफ़ी जगहों पर हल्की से मध्यम कुछ क्षेत्र में मध्यम से लगाकर तेज बारिश होने की संभावना रहेगी हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान लगभग सभी जगह मेघ करने के साथ कहीं कई इधों का जगहों पर हल्की से बहुत सारे गिर सकती है जो गंगानगर है हनुमानगढ़ है बीकानेर के क्षेत्र में अगले 24 घंटों जो के दौरान इकदों के जगहों पर मेघ करने के साथ हल्की मध्यम बौसार गिरेगी और जोधपुर है जैसलमेर बाड़मेर के पश्चिमी क्षेत्र में अगले चौबीस घंटों के दौरान हल्की से मध्यम मेघ करने के साथ कहीं कई इकदों का जगहों पर खंड बारिश होने की संभावना रहेगी तो ऐसा रहेगा अगले चौबीस घंटों के दौरान राजस्थान क्षेत्र का मौसम जय हिंद जय भारत